दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भारत भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढालपुर। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जहां स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों में बेहतर तैयारियां कर रहा है, वहीं अन्य संगठनों व प्रतिष्ठान भी कई तरह के उपकरण देकर पैरामेडिकल स्टाफ की मदद कर रहे हैं। मंगलवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आला अधिकारियों ने कुल्लू अस्पताल को भी कोरोना से बचाव के लिए उपकरण दिए। इस दौरान परिवहन एवं युवा सेवा खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा, जहां तक आज का प्रश्न आपका है, तो आज मैं अपनी ओर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने आज यहां पर पीपी किट्स और सफाई करने वाली ट्रॉली हमारे जोनल हॉस्पिटल कुल्लू को दी है। और इसके बाद इसी का ही दूसरा पार्ट ये है कि यहाँ पर कुछ स्ट्रेचर भी देने वाले हैं और कुछ व्हील चेयर्स भी देंगे, तो इसलिए उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने आगे बढ़ करके ऐसे समय में जहाँ पर बाकी सब जगह पर दे रहे हैं, लेकिन जो मंडी का रीजन है तो वहाँ के इनके एजेंट श्री पुलिस जी यहाँ पर विशेष तौर पर इसके लिए आए हैं, तो इनका मैं स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद। तो अब बीच में जिस तेजी से मामले बढ़े थे, अभी आप देखेंगे कि अब ठीक है कुछ नए कोरोना से प्रभावित मामले आ रहे हैं, लेकिन जो ठीक होने वाले हैं वो ज्यादा केस आ रहे हैं। तो इसलिए और उस दूसरा हमारा कुल्लू जिला तो लगभग कोरोना फ्री है, लेकिन अभी हमारे दो मामले जो आए हैं तो वो एक हमारे आईटीबीपी का जवान है, दूसरे इसलिए कहीं ना कहीं पर पूछा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार की बहुत जबरदस्त तैयारी है और अभी कुल्लू जिला के लिए सरकार ने 14 वेंटिलेटर और भेजे हैं, और जिसके कारण से हमारे पास लगभग हर अस्पताल में वेंटिलेटर की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, और जिसमें से अभी तो पहले दौर में तो 4 वेंटिलेटर और प्लस 3 ये तो कुल्लू अस्पताल में होंगे, और मनाली के लिए भी 2 और वेंटिलेटर भेजे गए हैं। उसी तरह आनी के लिए 2 वेंटिलेटर भेजे गए, निर्मंड के लिए, बंजार के लिए, तो तेगू बेड के लिए, तो ऐसे जितने अस्पताल हैं सब जगह सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। तो अगर कोई भी स्थिति के लिए हम लोग निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहली बात तो है कि हिमाचल प्रदेश हमारा बहुत अच्छे से ऐसे सारे समय में सरकार ने संभाला है। वहीं अब जिला कुल्लू के लिए भी 14 वेंटिलेटर भेजे गए हैं जो जिला के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में भेजे जाएंगे। बच्चों के भविष्य संवारने की तरफ ले जाने वाली यात्रा को भारत भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढालपुर लगातार प्रयास कर रहा है। स्कूल का प्रबंधन वर्ग जी जान सच्ची निष्ठा लगन के साथ बच्चों को ज्ञान बांट रहे हैं। वहीं अध्यापकों के नक्शे कदमों पर चलकर बच्चे स्कूल अभिभावक ही नहीं अभी तो जिला का नाम पढ़ाई में रोशन कर रहे हैं। वहीं भारत भारती स्कूल ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए गूगल के साथ टाइप किया था और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जहां पिछले वर्षों स्कूल का परीक्षा परिणाम बेहतर रहा, वहीं इस बार भी बोर्ड की परीक्षाओं में छात्र छात्राओं ने अच्छे अंक प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन किया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में छात्र अनमोल ने 98% अंक लेकर मेरिट लिस्ट में छठा स्थान हासिल किया, जबकि छात्रा गौरी ने जमा 2 के बोर्ड परीक्षा परिणाम में 98% अंक लेकर मेरिट लिस्ट में 8वां स्थान हासिल किया है। वहीं इसके अलावा आर्ट्स नॉन मेडिकल और इस बार छात्र छात्राओं ने 90 से 98% अंक लेकर हासिल किए हैं। यही नहीं, अन्य कक्षाओं का परिणाम परीक्षा भी स्कूल प्रबंधन स्टाफ की मेहनत से काफी सराहनीय रहा है। ये इसी के साथ 10th में 7 छात्र ऐसे जिन्होंने 90 से 98% के बीच में, और 10+2 में भी ऐसे 10 छात्र हैं साइंसेज में जिन्होंने की 90% से लेकर के 98% के बीच में अंक प्राप्त किए हैं। अधिकतर छात्र जो हैं वो 70 से 80% अंकों के बीच में और 80 से 90% अंकों के बीच में रहे हैं। तो एक ओवरऑल ग्राफ स्कूल का, और हम कई वर्षों से इस तरह की उपलब्धियां सामने लाते रहे हैं। अभी ऑनलाइन शिक्षा के युग में भी स्कूल ने बिल्कुल शुरुआत में गूगल के साथ टाई अप किया था, और अभी हम माइक्रोसॉफ्ट को भी माध्यम बना रहे हैं। इसी के साथ हम ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ करार कर रहे हैं, जिससे निश्चित रूप से छात्रों की शिक्षा का स्तर ऊपर जाएगा। स्कूल इस यात्रा को उत्कृष्टता को बढ़ाने में, उसको छात्रों को आगे ले जाने की यात्रा को जारी रखेगा। धन्यवाद।